हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं कई महीने पहले से आपके सामने वीडियोस में बता रहा था कि पुरानी पेंशन योजना या महंगाई भत्ता पे लिपिक को नहीं भटकना चाहिए। उनका मेन मकसद लिपिक वेतन संगति होनी चाहिए। हुआ क्या, मैं पहले ही बता रहा था कि महंगाई भत्ता है वो बढ़ेगा ही, पुरानी पेंशन है वो लागू हो कर रहेगी। यहाँ पे लिपिकों का ज़्यादा योगदान नहीं होने वाला है। उसमें मैंने कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग कई बार किया है, जो रियलिटी है, जो आप ऑफिसेस में सच में देखते हैं कि एक हाई क्वालिफाइड होने के बाद भी लिपिक को कैसा समझा जाता है। बुरा प्लीज नहीं मानिएगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अगर कोई पचवीं पास पास या आठवीं पास है, उसी के जैसा वेतन लिपिकों को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं जो आज क्लरिकल स्टाफ है, यू नो ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में जो 1900 ग्रेड पे क्लरिकल स्टाफ जा रहा है, उसके क्या रहता है कि ग्रेजुएशन रहता है, PGDCA है, अभी एग्जाम हुआ है, दिसंबर में हुआ है 2021 में, जो कि अभी कैंसिल हो गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मतलब पटवारी से ज़्यादा क्वालिफिकेशन आज रख रहा है एक क्लरिकल स्टाफ 1900 ग्रेड पे आने वाला, या फिर समकक्ष भी मान सकते हैं, और कितना कम वेतन है। तो उस मतलब इतने हाई क्वालिफाइड और उस लेवल का अगर कोई काम कर रहा है, ये कोई 5400 ग्रेड पे लिपिक डिमांड नहीं कर रहा है, 2800-2400 ग्रेड पे की डिमांड कर रहा है, जो कि उसका होना चाहिए और कितने पे कमीशन में उसका मारा गया है। तो बात यह है कि आज पचवीं पास, आठवीं पास या फिर जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहती, उनके समकक्ष पेमेंट अगर आप क्लिनिकल स्टाफ पा रहा है तो उसका तो दर्द रहेगा ना। और यही रियलिटी दर्द तो मैंने आपके सामने बयां किया था कितनी सारी वीडियोज में। तो इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ मुझ पे कि कई सारे लोग तो बोल ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मेरे क्लरिकल साथी हैं, स्टाफ ही हैं, वही बोलने लगे कि यार तुम क्या बात करते हो लिपिक वेतन संगत की, हमें बात करना चाहिए पुरानी पेंशन योजना, ताकि उस टाइम पे लास्ट तक हमारे पास कुछ तो रहे कि हम कुछ तो अपना जिंदगी गुजार कर सकें, और साथ ही साथ की महंगाई भत्ता बढ़ जाए, 2000-4000 तो बढ़ ही जाएगा, सब माफ करें तो हम भी माफ कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये मेरी समझ से परे है। बाद में मैं कितनी सारी वीडियोज में बोला हूँ कि लिपिकों को एक सूत्रीय मांग उनका होना चाहिए सच में, और सच में अभी हो रहा है। काफ़ी सारे मेरे लिपिक साथी इसके लिए प्रयासरत भी हैं। तो देखिएगा, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 2022 जो भी मौका चल रहा है पुरानी पेंशन योजना सभी का, लिपिक वेतन विसंगत का मुद्दा अगर दूर कराना है ये, तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और जितने लिपिक साथी हैं, क्लरिकल स्टाफ हैं, आपको 2400 घंटे या कुछ ज़्यादा घंटे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दिल में ये बैठा लीजिए कि आपका, आप सभी का, एक एक क्लिनिकल स्टाफ का जो अल्टीमेट मकसद है वो लिपिक वेतन संघ दूर कराना है इसी साल या फिर नेक्स्ट इलेक्शन से ज़रूर पहले। हमारे साथ होता क्या है, हुआ क्या, हमने तो आपके सामने शेयर किया है। इसीलिए DNS अलाउंसेस बढ़े, पुरानी पेंशन योजना की बात रहे, ये सब अपने जगह पे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं कि ये बजट सत्र में ही उसके बारे में आ जाएगा। गवर्नमेंट की ये पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है, लेकिन लिपिकों के साथ क्या हो रहा है, क्या होता आया है, ये बहुत दुखद है। ज़रूरत इसी बात की है कि हम क्लिनिकल स्टाफ, ये किसी से विरोध नहीं है, दूसरे किसी पद से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे जो क्लिनिकल स्टाफ हैं, हमारे जो लिपिक साथी हैं, वो कम से कम लिपिक वेतन विसंगत के मुद्दे में एक साथ आएँ, भाईचारे दिखाएँ। पर्सनल आप स्वतंत्र हैं जो भी सोचने के लिए, लेकिन लिपिक वेतन विसंगति, क्लरिकल स्टाफ की जो वेतन विसंगति है, उसको प्लीज ना भूलिए। अपना सब मेरे लिए धन्यवाद।